से बनी हुई सब्जी तो हम हमेशा खाते ही हैं। आज मेरा मन किया एकदम सादा सा और नॉर्मल सा सब्जी खाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिजलिंग स्पाइसेस विद अपर्णा। तो आज हम एकदम निरामिष सब्जी बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल ही बिना तेल मसालों के और बिना ही बहुत ही कम मसालों से इस सब्जी को हम बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। निरामिष झोल सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है पम्पकिन, और ये है आलू, एक बड़ी आलू है, और ये है साग का डंठल जिसे मैंने इस तरीके से काट के बीच से चीरा लगा दिया है, ये है कच्चा केला, एक गाजर, बैंगन, और यह है पपया। इसमें आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका मीठा वाला जो आलू बोलते हैं मीठा आलू, वो ऐड कर सकते हैं इसमें, और आप इसमें सेमी भी ऐड कर सकते हैं सेम को। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अदरक और मिर्ची को अच्छे से कूट लिया है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई गर्म कर लिया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, और सरसों का तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे कुछ बड़िया, बड़िया को अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ये भून जाता है इसे हम निकाल लेंगे थोड़ा लाल लाल करके। ये पे हम डाल देंगे आलू, इसके साथ हम ऐड करेंगे पम्पकिन, अच्छे से भून कर लेंगे सभी को। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अपनी पपया, तो इन सभी को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे अच्छे से। यहीं पर हम ऐड करेंगे अपने साग के डंठल, कच्चे केले और बैंगन, इन सभी को इसमें से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ऐड करेंगे अपने कूटे हुए अदरक और मिर्ची के पेस्ट को, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सभी के साथ। ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, और इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे जो बेसिक से मसाले हैं, जैसे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी एक चम्मच, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसे बिना भूने इसमें हम ऐड करेंगे पानी, पहले इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी,
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसी पानी के अंदर इसे हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। आइए चेक कर लेते हैं अपनी सब्जी को। ये देखो सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये बनेगा तो अब हम क्या करेंगे, इसी सब्जी में डाल लेंगे एक छोटी कटोरी के करीब दूध, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा चीनी डालने के बाद आप ये मत समझिए कि ये सब्जी हमें मीठा लगेगा, ये बिल्कुल मीठा नहीं रहेगा। और देखिए अब हमें क्या करना है, इन सब्जियों को एक दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर देना है। एक बार अच्छे से चला लें आप इसे। तो ये देखिए अभी हम ट्रांसफर करेंगे अपनी सब्जी को एक बॉल में, और अब हम इसे लगाएंगे छौंक, और छौंक के साथ इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कुक करिए। तो उसी कढ़ाई में अब हम डाल लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे एक पिंच के करीब हींग। अब इसमें हम डालेंगे पंचफोरन, दो या तीन सूखी लाल मिर्चें और दो से तीन तेज पत्ता। इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा हम अपने खड़े मसाले को क्रैकर भून लेंगे अपने पंचफोरन को। सारे सब्जियों को ढक लगा लेंगे। और यहीं पे हम ऐड कर लेंगे हमने जो बड़िया रखी थी उन बड़ियों को। निरामिष सब्जी है, इसे आप व्रत में या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप प्याज लहसुन खा करके उग गए हैं तो इसे नॉर्मल से सब्जी बना के आप खाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे अब हम इसी में 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। और ये देखिए सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे भुना हुआ और भून के कुटा हुआ जीरा, और इसमें हम ऐड करेंगे ये भुनी हुई सूखी लाल मिर्च है जिसे मैंने कूट लिया है, तो उस लाल मिर्च को हम थोड़ा डालेंगे। मिक्स कर लीजिए इन सबको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सब्जी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें नमक
तो नमक आप पहले से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, हमारी जो सब्ज़ी है वो पहले से ही गल जाएंगे। तो थोड़ा नमक आप पहले डाल लें और बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डालें। नमक डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है।